गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, करियर फंड क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का 5.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट का फर्स्ट में आपका क्या दिया गया है, tn बराबर दिया है 3n+1 और हमें पूछ रहा है प्रथम तीन पद आप ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप t1 बराबर निकालिएगा, यानी कि n का मान कितना है 1। तो जहाँ जहाँ पे n बराबर है कितना है 1 पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया 3 × 3 = 3, 3 × 4 हो गया। t2 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 2 + 1, 3 × 2 = 7। t3 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 10, है ना। तो अंत में आप लिख सकते हैं अतः एपी का प्रथम तीन पद, है ना, प्रथम तीन पद कितना कितना हो जाएगा 4, 7, 10। चलिए मैं एक दो क्वेश्चंस देखता हूँ, उस प्रकार आपसे फिर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका दिया गया, दो नंबर में दिया है, tn बराबर दिया है 2 d पावर n। तो हमें निकालना है t1, तो 2 पे पावर 1 = कितना 2। t2 बराबर 2 पे पावर 2 = कितना हो गया 4। t3 बराबर 2 पे पावर 3 = कितना हो गया 8। तो अंत में आप लिख दीजिएगा अतः एपी का प्रथम तीन पद कितना हो जाएगा 2, 4, 8 हो जाएगा। चलिए हम ध्यान देते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें, है ना, ठीक है, आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ने 5 में देखता हूँ, है ना। tn बराबर आपका कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना, फर्स्ट का 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2n + 5, है ना। तो हमें निकालना है t1, तो कितना 2 × 1 + 5 कितना हो गया 7। t2 बराबर कितना हो गया 2 × 4, 4 + 5 कितना हो गया 9। t3 बराबर कितना हो गया 2 × 6, 6 × 5 = 11, है ना। तो आपका तीन पद निकल गया, उसी प्रकार आप बना लीजिएगा। दूसरा में आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम जिसमें एनमा पद दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात कीजिए। आपको सेम उसी प्रकार से इसमें दिया गया है आपका कि कौन सा पद निकालना है। इसमें t1 t2 t3 तीन पद निकालने कह रहा था, लेकिन इसमें हमको निकालने कह रहा है, जैसे मैं देखता हूँ 2 का, है ना, 2 का 2 नंबर देखते हैं, है ना। 2 का 2 नंबर में आपको दिया है tn का मान दिया है, tn बराबर आपका दिया है n × n − 2 / n + 3। हमें निकालने के लिए कह रहा है t20 निकालने के लिए कह रहा है ना, t20 निकालने कह रहा है। तो आप क्या लिखेगा, t20 बराबर जहाँ पे n का मान है वहाँ कितना है 20 है, तो जहाँ n है वहाँ 20 आप पुट कर दीजिए, 20 − 2 / 20 + 3 कितना आ जाएगा 20 × कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 बचेगा, बटा में कितना हो जाएगा 20 × 3 = 23, कितना हो गया 18 × 36 यानी 360/23 आपका t20 निकल गया। उसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, 4 नंबर में कह रहा है, 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन से बन जाएगा, 4 नंबर में आपका क्या दिया है 2 का 4 नंबर में आपका tn का मान दिया गया है, 4 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, tn का मान आपका दिया गया है, है ना, tn − 1 है, ध्यान दीजिएगा, और नीचे है n²। जहाँ पे t1 का मान आपको दिया गया है 3, हमें निकालने कह रहा है t2 और t3 मान निकालने का रहा है, क्या कह रहा है t2 और t3। तो t2 का मान आप पुट कीजिए, जहाँ जहाँ n है आप 2 पुट कीजिए, यहाँ पे 2 − 1/2 तो 2 में से 1 जगह तक कितना आ जाएगा t1/2 × 4, और t1 का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, t1 का मान कितना दिया गया है 3, तो कितना हो गया 3/4। फिर हमें निकालना कितना है t3 निकालना है ना, तथा हमें और क्या निकालना है t3 निकालना है। तो t3 बराबर कितना हो जाएगा t3 − 1/3²। अब ध्यान दीजिएगा, तो t3 − 1 है, टोटल में नहीं है बल्कि 3 में 1 घटेगा, तो कितना हो जाएगा t2/9, और t2 का वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे 3/4, तो कितना हो गया 3/4, और मेन बटा कितना 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 × 9 = 3/ कितना हो गया आपका 9 × 36 हो गया, कट गया 12, तो कितना आ गया आंसर, आ गया 1/12 आ गया आंसर, कितना आ गया 1/12। तो आपका एक नंबर दो नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। उसी प्रकार आपका है तीन नंबर, है ना, निम्नलिखित उपकरणों के आगामी तीन पद ज्ञात कीजिए, है ना, हमें तीन पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जहाँ पे जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ,
तीन का फर्स्ट मैं देख लेता हूँ, है ना, क्लियर करते हैं इसको। चलिए मैं देख लेता हूँ थ्री का फर्स्ट। थ्री का फर्स्ट में आपका क्वेश्चन से दिया गया है T2 बराबर 2 दिया गया है और Tn बराबर हमको दिया है, Tn का मान दिया गया है Tn बराबर Tn-1 प्लस 1। ये देखिए n में से 1 है और ये प्लस टोटल में दिया गया है ना, और हमें ब्रैकेट में लिख दिया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी कि आप जो n का मान आप निकालिएगा, अगला तीन पद जो हमें निकालना है उनमें से हमें क्या निकालना है, n का मान जो है 3 लेना है या 3 से बड़ा लेना है। तो मैं क्या निकाल देता हूँ, T3 निकाल देते हैं। कितना निकाल देते हैं, T3, क्योंकि T2 का वैल्यू दिया गया है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, T3-1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा T2 प्लस 1। और T2 का वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, हमें दिया गया है ना, तो कितना जगह 2 प्लस 1 बराबर 3। ये तो एक पद निकला, हमें फिर निकालते हैं कितना, T4 निकालते हैं। T4 तो आप वैल्यू पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए तो कितना जाएगा T4-1 प्लस 1। T4 तो कितना आ जाएगा T3 प्लस 1। T3 का मान कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 3 निकाल चुके हैं। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 4। 3 × 1 कितना हो जाएगा, 4। अगला मैं निकालता हूँ कितना, T5 निकालता है ना। तो T5 बराबर कितना हो जाएगा, T5-1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, T4 प्लस 1। और T4 का मान कितना आपको दिया गया है, 4 दिया गया है ना। तो 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः तीन पद कौन कौन हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 3, 4, 5। इस प्रकार आप बना लीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, हमें 4 नंबर में जो कह रहा है क्वेश्चन, बहुत आसान है बनाना। चार नंबर में क्वेश्चन आपका कह रहा है एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि आपका जैसे 4 का फर्स्ट है ना, हमको एपी लिखना है, ए बराबर दिया गया है आपका, ए का मान दिया गया है 1 और डी का मान, ए का मान दिया गया है 1 और डी का मान कितना दिया गया है, 1। तो आप ध्यान दीजिए कि एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन होगा। तो सबसे पहले एपी जब आपको लिखना पड़ेगा तो आप 4 पद लिखना रहे, 5 पद लिखना रहे, 6 पद लिखना, जितना पद लिखना रहे, अगर आप एपी जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। एपी जब भी लिखेगा तो क्या होगा, ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2D होगा, ए प्लस 3D होगा, ए प्लस 4D होगा, सही में आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से आपको जितना पद लिखने के लिए कहेगा उतना आप निकाल लीजिएगा। तो आपको क्या मालूम है, ए मालूम है और डी मालूम है। तो आप ध्यान दीजिए, ये मैं क्वेश्चंस नहीं बना रही, मैं समझा रहा हूँ, है ना। एपी आपका, एपी का टर्म आपका क्या होगा, एपी कैसे लिखाएगा, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। तो आप इसको बनाइएगा कैसे, आप लिख लीजिएगा ए बराबर कितना दिया है, प्रथम पद कितना दिया है, तो आप इसको लिख लीजिए। माना कि है ना, अज्ञात एपी के प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर डी है, जहां हमें क्या दिया गया है, ए बराबर 1 और डी बराबर कितना दिया है, 1। तो हमें जो एपी ज्ञात करना है, तो एपी ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो आप बताइए, एपी बराबर आप क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा, ए प्लस बी लिखिएगा, ए प्लस 2D लिखिएगा, ए प्लस 3D लिखिएगा, डॉट 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 लिखिएगा, ए का वैल्यू 1 है ना, ए प्लस डी का मान, ये आप निकाल करके भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2D कितना हो जाएगा, 1 + 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 2 × 1 कितना हो जाएगा, 1 + 3 × 1 डॉट 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 हो जाएगा, और कितना, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया एपी। उसी प्रकार चलिए मैं क्वेश्चंस आगे देखता हूँ, 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, जैसे इसका तो सब बन जाएगा क्वेश्चन, 4 नंबर का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ए दिया गया है, डी निकाल दिया जाए, आप ए निकाल दीजिए, ए प्लस डी निकालिए, ए प्लस 2D निकालिए, ए प्लस 3D निकालिए, बन जाएगा। 5 नंबर में आपका दिया गया, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखे, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत इजी है। 5 नंबर में आपको क्या कह रहा है, सार्व अंतर
और प्रथम पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप जैसे मैं एक नंबर देख रहा हूँ, क्वेश्चन आपका दिया गया है एक माइनस एक माइनस तीन माइनस पांच दिया गया है ना, ये दिया है डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया है, है ना। इन्फिनेटिव है और परिमित समानांतर श्रेणी है, श्रेणी है। अब ध्यान दिए तो प्रथम पद कौन हो गया, यहाँ पे प्रथम पद बराबर कितना हो गया, प्रथम पद बराबर आप कितना लिख लीजिएगा एक, है ना। आपको सार्व अंतर प्रथम पद ब्रैकेट में आप एक कर लीजिए, एक का मान कितना हो गया एक, है ना। सार्व अंतर डी बराबर, डी बराबर कितना होता है टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, यानी दूसरा में से प्रथम पद घटा के निकालते हैं या तीसरा में से दूसरा को घटा के या चौथा में से तीसरा को घटा करके आप निकालते हैं, तो कहीं से आप घटा लीजिए। तो यहाँ आपका टी टू कितना दिया है माइनस वन, फार्मूला वाला, है ना, फार्मूला वाला माइनस। टी वन का मान कितना दिया है माइनस वन, बराबर कितना हो गया माइनस टू हो गया। अंत में आप लिख सकते हैं अतः प्रथम पद ए का मान एक और सार्व अंतर डी का मान कितना हो गया माइनस दो हो गया। चलिए उसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन और एक दो देख लेता हूँ। चलिए चार नंबर इसका देख लेते हैं, है ना। सार्व अंतर लिखें आप निकाल लीजिएगा। चलिए इसका मैं देख लेता हूँ एक पांच नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पांच भी उसी प्रकार का है। छह नंबर देख लेता हूँ मैं, छह नंबर में आपका दिया कितना है, छह नंबर में दिया है दो, दो पूर्णांक एक बटे तीन, दो पूर्णांक दो बटे तीन, तीन डेड एड, है ना। तो आप बताइए प्रथम पद बराबर यहाँ पर कितना लिखिएगा, प्रथम पद बराबर कितना होगा, ए का मान कितना है जो फर्स्ट में आता है दो। आप बताइए सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर कितना, जब एपी में दिया गया है तो सार्व अंतर बराबर निकालने के लिए हम क्या जानते हैं टी टू माइनस टी वन, टी टू का वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितना, दो पूर्णांक एक बटे तीन माइनस दो, दो दूनी चार, चार एक पांच, पांच बटे कितना हो जाएगा तीन, पांच बटे तीन माइनस दो, इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा तीन, पांच माइनस छह बराबर कितना माइनस एक बटा तीन, कितना हो गया माइनस एक बटा तीन, कितना हो गया माइनस एक बटा तीन। अंत में आप लिख दीजिएगा प्रथम पद इतना और सार्व अंतर इतना। चलिए छह नंबर में आपका कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है, यदि वे समानांतर श्रेणी एपी बनाते हैं तो उनके सार्व अंतर ज्ञात करें और इसके आगामी तीन पदों को लिखें। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करना है कि एपी में है या नहीं, अगर है तो उसका अगला तीन पद भी लिखें। ध्यान दीजिएगा छह नंबर में हमें कह रहा है निम्नलिखित सब कौन से सूची एपी में है, सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है एपी में है, यदि वे समानांतर श्रेणी एपी बनाते हैं तो उनके सार्व अंतर ज्ञात करें और उनके आगामी तीन पदों को लिखें, और तीन पद को आपको और आगे लिखना है। ध्यान दीजिएगा, चलिए जनाब हमें लिखना है छह नंबर में, जैसे मैं छह का फर्स्ट देख लेता हूं, छह का फर्स्ट में आपका एक क्वेश्चन से दिया गया है एक माइनस एक माइनस तीन और पांच। सबसे पहले ये एपी में है या नहीं, तो हमें एपी में निकालने के लिए सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डी बराबर टी टू माइनस टी वन निकाल लेते हैं। तो माइनस एक और माइनस एक कितना हो जाएगा फॉर्मूला वाला माइनस दो हो गया, है ना। चलिए मैं एक दो और डी निकाल लेता हूँ, चलिए निकाल लेते हैं यहां से हम लोग निकालते हैं टी थ्री माइनस टी टू निकालते हैं माइनस थ्री, और ये हो गया माइनस फॉर्मूला वाला, है ना, और ये माइनस एक बराबर माइनस तीन प्लस एक बराबर माइनस दो। यहाँ दोनों जगह क्या है आपका डी समान है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं ये एपी में है, ये क्या है एपी में है। तो अब बताइए ये कितना है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हमें कैमा पद निकालना है। ध्यान दीजिएगा आपको ऐसे दिया गया, हमें तीन पद और निकालना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना, तो पांचवा पद हमें निकालना है। तो पांचवा बराबर टी फाइव बराबर कितना होगा आप बताइए, ए प्लस कितना होगा फोर डी होगा, ए प्लस फोर डी होगा, है ना, और टी सिक्स बराबर कितना होगा ए प्लस फाइव डी होगा, और टी सेवन बराबर कितना होगा ए प्लस सिक्स डी होगा। आप निकाल दीजिए तीनों पर, ए का मान आपको पता है कितना है एक है, ए का मान कितना है एक है, प्लस चार गुने डी का मान कितना है माइनस दो है, तो चार दूनी आठ, एक माइनस आठ बराबर कितना हो गया माइनस सात हो गया, कितना हो गया माइनस सात हो गया। आप ध्यान दीजिएगा माइनस सात हो गया, हमें निकालना है नेक्स्ट, तो वन प्लस फाइव इंटू डी का मान
माइनस दो तो कितना हो गया आपका एक माइनस पांच दुने दस बराबर माइनस नौ हो गया। हमें निकालना है टी सेवन तो ए प्लस सिक्स डी तो एक प्लस छ इंटू डी का मान माइनस दो तो बराबर कितना एक छह दुनी बारह बराबर कितना हो गया माइनस ग्यारह। अंत में हम लिख देंगे अतः अतः एपी का एपी का एपी का तीन अन्य पद कितना कितना आ गया आपका माइनस सात माइनस नौ और माइनस ग्यारह निकल जाएगा इस प्रकार से। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ। चलिए दो नंबर भी आपका बन जाएगा, देख लीजिए दो नंबर बन जाएगा। देखते हैं एपी में है या नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं, जब एपी में रहेगा तभी तो आप निकालिएगा। चलिए क्लियर करते हैं इसको। जैसे मैं देखता हूं दो नंबर इसका दो नंबर में हमको क्या दिया गया है, दो है चार है आठ है सोलह है सो है हाँ? आप ध्यान दीजिए ए बराबर यहाँ पर कितना दिया है डी टू दिया है और डी का मान कितना होता है टी टू माइनस टी वन, टी टू का मान कितना दिया गया चार, टी वन के मान कितना दिया दो, तो चार माइनस दो बराबर कितना आ गया दो। पुनः मैं डी निकालता हूँ टी थ्री माइनस टी टू से निकालता हूँ, टी थ्री का मान कितना दिया आठ, आठ में से कितना जाएगा चार बराबर कितना होगा या घटेगा कितना आएगा चार आएगा। आपका डी का मान समान आ रहा है, डी का मान समान नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या कह देंगे अतः दिया गया अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम क्या है एपी में नहीं है, क्या है एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो हम क्या करेंगे उसे निकालेंगे ही नहीं। चलिए इसी प्रकार से आप बनाइएगा आगे, है ना। चलिए मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस इसमें और मैं देख लेता हूँ। आपका देखिए बनाइएगा एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर छह नंबर चलिए चार नंबर में देखता हूँ, है ना चार नंबर में देख लेता हूँ। क्लियर करते हैं इसको, इसका चार नंबर देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन से है चार नंबर में। चार नंबर में आपका दिया गया है माइनस हाफ कॉमा फिर है माइनस हाफ फिर है माइनस हाफ माइनस हाफ, तो आपका टी वन का मान जो है वही टी टू का मान है वही टी थ्री का मान है वही टी फोर का मान है। इसका मतलब आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये एपी में है या नहीं, तो एपी में ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर होता है टी टू माइनस टी वन, तो माइनस एक माइनस फार्मूला वाला माइनस बराबर कितना हो गया कितना आ गया जीरो। फिर से डी आप निकालिए टी थ्री माइनस टी टू कीजिए माइनस हाफ और माइनस हाफ ये भी कितना हो गया कितना जीरो, तो यहाँ डी का मान कितना हो गया है जीरो। तो हमें दिया है कितना पद दिया है कौन कौन पद, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा, हमें निकालना है पांचवा छठा और सातवां। तो टी फाइव बराबर आप क्या कह सकते हैं ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, क्या होता है टी एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पांच है तो यहाँ कितना होगा पांच माइनस एक चार हो जाएगा ना, तो आप ए का मान माइनस हाफ प्लस चार गुने जीरो बराबर कितना आ जाएगा माइनस हाफ। टी सिक्स बराबर भी कितना आ जाएगा ए प्लस फाइव डी, डी का मान कितना है जीरो, तो माइनस हाफ प्लस फाइव इंटू जीरो बराबर कितना आ जाएगा माइनस हाफ। और टी सेवन का मान भी कितना हो जाएगा ए प्लस कितना आ जाएगा सिक्स डी, ए का मान कितना माइनस हाफ प्लस छः गुने जीरो बराबर माइनस हाफ होगा, यानी कि अगला तीन पद भी क्या होगा माइनस हाफ और माइनस हाफ होगा। चलिए आप चलिए यहां से एक चीज तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सार्व अंतर माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपका छह नंबर भी टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ सात नंबर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए हमें क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों, कारण पूछा कि अगर एपी में है तो क्यों है। चलिए आपका एक क्वेश्चन दिया है सात का एक नंबर में दिया गया है क्रमागत वर्षों, क्रमागत का मतलब लगातार वर्षों में शिक्षक का वेतन, हमें पूछ रहा है कि एपी में होता है या नहीं। प्रारंभिक वेतन उसका कितना है, जब वो ज्वाइनिंग किया था तब उसका वेतन कितना मिलता था
8000 मिलता था, लेकिन कह रहा है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि 2020 में ज्वाइनिंग किया तो उसको कितना मिलता है, 8000 मिलता है, लेकिन 2021 में उसका कितना हो जाता है, 8500, है ना। फिर उस 2022 में उसका कितना हो जाता है, फिर 500 बढ़ता है तो 9000, फिर 2023 में कितना हो जाता है, 9500, फिर उसी प्रकार से बढ़ते जाता है। तो शिक्षक का आरंभिक वेतन कितना था, 8000 था, वार्षिक वृद्धि कितना था, 500। इसका मतलब कि प्रथम वर्ष का उसका कितना होगा, 8000, अगला कितना जाएगा, 8500, फिर अगला साल कितना हो जाएगा, 9000, फिर अगला साल कितना हो जाएगा, 9500, उसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका शिक्षक का वेतन है वो क्या है, एपी में है। हम क्या कहेंगे, शिक्षक का वेतन क्या है, शिक्षक का वेतन क्या है, एपी में है। शिक्षक का वेतन एपी में है, जहां जहां हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा आपको, 800 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, है ना, 8000 रुपया। और डी का मान कितना हो जाएगा, T2 - T1, यानी कि जो वार्षिक वृद्धि हो रही है कितना, 500 का ना, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपको, 500 रुपया। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा एपी में होगा या नहीं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि जब वह एक किलोमीटर अगर जाता है तो प्रथम किलोमीटर का भाड़ा वह कितना लेता है, 15 रुपया लेता है। प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना लेता है, 15 रुपया लेता है, और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के। इसके अलावा अगर एक किलोमीटर और जाएगा तो 8 रुपया और लेगा, अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो फिर से 8 रुपया और लेगा। तो आप देखिए यहाँ प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया गया है, 15 रुपया दिया गया, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया गया, 8 रुपया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एक किलोमीटर जाएगा तो मात्र लगेगा 15 रुपया, लेकिन जब 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया, तो एक किलोमीटर का और दूसरे किलोमीटर का कितना, 15 + 8, तीसरा का कितना हो जाएगा, तो 15 + 8 + 8 हो जाएगा, यानी 31 हो जाएगा। चौथा का कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8 + 8 39 हो जाएगा, यानी कि अगला में हर एक अगला में कितना जुटता, 8 रुपया जुटते जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, टैक्सी का जो भाड़ा है ना, वो क्या है, एपी में है, क्या है, एपी में है, जहाँ जहाँ ए बराबर कितना है, 15 रुपया, और डी बराबर कितना है आपका, 8 रुपया। चलिए जनाब, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया गया है कि किसी सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर कितना एक समान रूप से कितना घटती है, 2 सेंटीमीटर घटती है, और सबसे नीचे वाले डंडों की लंबाई कितना दिया गया, 45 में, तो आप 45 सेंटीमीटर थे। आप बता दें कि ये एपी में है या नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे नीचे का जो डंडा है, मान लीजिए कि ये सीढ़ी हम बनाए हैं, तो सबसे नीचे वाला जो डंडा दिया गया उसका कितना दिया गया, 45 दिया गया, और ऊपर से नीचे घटने के बाद ना 45 आया है। इसका मतलब ऊपर वाला कितना होगा, इसके ऊपर कितना होगा, 47 होगा, है ना, इसके ऊपर कितना होगा, 47 होगा, इसके ऊपर कितना होगा, 49 होगा, तब ना नीचे घट रहा है। इसके ऊपर कितना होगा आपका, 51 होगा, इसके ऊपर आपका कितना होगा, 53 होगा। तो अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूं, अगर मैं इसका सीक्वेंस तैयार करूं तो आपका क्या होगा, 53, सॉरी हम नीचे से लेंगे, नीचे से, है ना, पहले सबसे नीचे कितना था, 45 था, फिर कितना था, 47 था, फिर कितना था, 49 था, फिर कितना था, 51 था, फिर कितना था, 53 था। इसी प्रकार ऊपर से नीचे की ओर घटते आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ए का मान कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, डी का मान आप निकाल दीजिए T2 - T1 से, है ना, T2 - T1 से, 47 - 45 कितना आ रहा है, 47 - 45 कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से भी आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या रहा है, डी का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सभी जगह डी का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये एपी में है। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस और तैयार आप कैसे कर सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका कितना था, अगर मैं लेता हूँ 53, उसके बाद कितना, 51, उसके बाद आपका कितना, 49, उसके बाद आपके कितना, 47, उसके बाद आपका कितना, 45। तो इस प्रकार से भी आपका सीक्वेंस तैयार हो रहा है, सबसे नीचे का आपका डंडा का दिया गया है, है ना। तो आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ए का मान इतना, तो डी का मान आपका कितना हो रहा है, इसमें भी घट रहा है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्या दिया गया है, एपी में है, यह भी आपका क्या है, एपी में होगा। चलिए आप ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन से यहाँ पे दिया गया है, किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि है ना, जब राशि कितना दिया गया, 10,000 रुपया हो, तो मूल राशि का कई परसेंट, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। सबसे पहले आप समझिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए 1,000 रुपया,
है ना, 1000 रुपया कहीं पे, चलिए 10000 रुपया ले लेता हूँ, 10000 रुपया अगर मैंने खाता में जमा किया है ना, तो प्रथम साल का जो ब्याज अगर मान लीजिए 10 रुपया होगा, अगर 10 रुपया हम लेते हैं, 10% लेते हैं, तो प्रथम साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 10000 का 10%, सिर्फ ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो अब ध्यान दीजिए 1000 रुपया हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, 1000 रुपया होगा। अगर ये साधारण ब्याज होता तो हर एक साल 1000 रुपया साधारण ब्याज होता तो ये आपका क्या हो जाता, एपी में हो जाता। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आपका कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगला साल का जो ब्याज लगेगा 11 10000 इधर से और 1000 इधर से, टोटल हो जाएगा कितना, 11000 रुपया है ना, कितना जगह 11000 रुपया। अब 11000 का 10% होगा तो अगला साल पैसा कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। अब देखिए हर एक बार, तो प्रथम साल अगर मैं इसको ही लेता हूं, मैं इसी से समझने की कोशिश करते हैं, तो प्रथम साल आपका अगर एक सीक्वेंस तैयार कीजिएगा तो कितना होगा, 10000, अगला साल कितना हो जाएगा, 11000 है ना, कितना हो जाएगा, 11000, और उस साल में आप कितना 1100 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12100 रुपया। अगर यहाँ से आप डी निकालते हैं तो डी का मान सभी जगह समान नहीं आता है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि खाता में प्रति वर्ष के जो जमा राशि है वो एपी में नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि जब प्रथम वर्ष में कितना है, 100 रुपया है। अब ध्यान दीजिए वो प्रथम वर्ष कितना रुपया बचाती है, 100 रुपया बचाती है, और प्रत्येक वर्ष 50 रुपया बढ़ाकर बचाती है, यानी कि अगला साल कितना बचाती है, 150 रुपया बचाती है, फिर उसके अगला साल कितना बचाती है, 200 रुपया, तब ना 50 रुपया ज्यादा होगा, उसके अगला साल कितना होगा, 250 रुपया। तो हम क्या कह सकते हैं कि सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में जो बचत की गई राशि है वो क्या है, एपी में है, जहां पर ए का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और डी का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि हर एक साल कितना ज्यादा बचाती है, तो 50 रुपया ज्यादा बचाती है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ये एपी में है या नहीं। हमें दिया गया है लगाई गई पूंजी की कीमत कितना, 1 2 3 4 5 साल .. वर्षों के बाद, जब पूंजी की राशि एक वर्ष के बाद स्वयं का कितना हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे मान लिया जाए कि अगर मैंने ₹1 लगाया था तो ये प्रथम वर्ष ना, तो द्वितीय वर्ष में कितना हो जाएगा, 5/4 यानी कि 5x/4, तीसरे वर्ष में कितना, पहले कितना था 5x/4, उसका फिर कितना 5x/4, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 25/16 कितना हो जाएगा, 25/16x। अब आप यहां से a का तो मान, चलिए आपको पता है कि a का मान x है, लेकिन d का मान आप निकालिए, t2 - t1 निकालिए, है ना। चलिए एक और मैं निकाल लेता हूँ, ये हो गया दूसरे वर्ष का, ये हो गया प्रथम वर्ष का, ये हो गया दूसरे वर्ष का, ये हो गया तीसरे वर्ष का, चौथा वर्ष के आप निकालते हैं, तो पहले से कितना था 25x/16, उसमें कितना गुना करना है, 5/4, 5×9 का हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा बराबर 25 × 25 = 125/16 कितना हो जाएगा 64। आप यहां से निकालिए d बराबर t2 - t1, t2 का मान कितना दिया गया है आपका 5x/4 माइनस x का कितना बचेगा आपका x/4 बचेगा। फिर हम निकालते हैं t3 - t2 निकालते हैं, तो t3 का मान कितना दिया है 25/16x, कितना में हम घटाएंगे 5x/4 में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 16, तो 25 - 5×20 कितना आ गया आपका 5/16x हो जाएगा। आप देखिए दोनों में डी का मान समान है नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अतः दी गई पूंजी की कीमत क्या होगी, 1 2 3 4 साल में एपी में नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा अब क्वेश्चन नंबर 6 खरगोश वाला जो फिगर, इस प्रकार से मुझे तो खरगोश का फिगर बनाने नहीं आता है ना, लेकिन मैं इमेजिनेशन से बता दिया हूँ। प्रत्येक महीना में खरगोश का प्रजनन आपका दिया गया इस फिगर में, अब पूछ रहा है क्या ये एपी में होगा, तो आप ध्यान दीजिए प्रथम महीना में कितना खरगोश है, 1 जोड़ा है ना, दूसरे महीना में भी कितना है, 1 है, तीसरे महीना की आप बात करते थे कितना हो गया, 2 हो गया, अब चौथे महीना का 1 2 कितना हो गया है, 3 हो गया है, पांचवे महीना का 1 2 3 4 5 हो गया है,
और छठे महीने की बात करते थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया। आप एक सीक्वेंस लिखिएगा, एक सीक्वेंस लिखा था कैसे लिखा है, एक कॉमा दो कॉमा तीन कॉमा कितना पाँच कॉमा आठ। क्या ये एपी में है? ए का मान तो एक है, लेकिन डी का मान यहाँ कितना आ रहा है आप ध्यान दीजिए, एक माइनस एक जीरो, यहाँ पे कितना आ रहा है दो माइनस एक बराबर कितना एक, यहाँ पे कितना आ रहा है एक, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है दो। अतः खरगोश का जो प्रजनन है महीने में वो क्या है एपी में नहीं होगा। चलिए आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ये पूछते हैं अब तो, है ना, पहले इसमें पूछता था लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स पूछता है। आप क्वेश्चन को बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू।